गणतंत्र महान पर्व में सामिल होती नेता विभिन्न राज्य मुख्यमंत्री देले भोट उत्तराखंड रे भोट देले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाड़ी रे ठिया होई भोट देले अरुणाचल प्रदेश रा मुख्यमंत्री पेमा खांडू मणिपुर रे भोट देले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मैंने सबसे अपील की है कि सभी मतदान करें और लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आज कोई ऐसा रहना नहीं चाहिए जो मतदान के बिना रहे। एक सशक्त भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के मनोबल के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, मातृशक्ति की सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए दुनिया के अंदर भारत का परचम फहरे, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने। इस बार का जो चुनावी जो माहौल है ऑलरेडी पूरे अरुणाचल प्रदेश में पूरा तय है कि इस बार पूरे राज्य भर में कमल का फूल खिलना पूरा तय है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड के साथ इस राज्य में हम लोग गिनेंगे विधानसभा में और लोकसभा का दोनों सीट दोनों कमल में ही जाएगा और विद थम्पिंग मेजोरिटी हमारा दोनों लोकसभा भी यहाँ से हम लोग चुन के पार्लियामेंट में भेजेंगे। इसी में मोदी जी को थर्ड टर्म का प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उसी में मेरे को वोट देने का मौका मिला है आज और हम ये मणिपुर का सभी भाइयों बहनों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाजपा का सरकार और मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दोनों को दोनों सीट भाजपा का अलायंस और इनर में 23% और आउटर में 3 जिमिक एनपीएफ को दोनों को बहुत देके मोदी जी को ताकत करना और मोदी जी को फिर तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बनाना अपने काम है और सबको बहुत डालिए बोलता हूँ। तमिलनाडु में जो इधर अप्रैल 19 में बहुत ज़्यादा उत्साह में एंथुसियाज्म में हमारा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पोलिंग बूथ के साथ है। तमिलनाडु में इस बार एक अच्छा माहौल है, सो मोदी जी के साथ जनता है, मोदी जी के साथ पूरा तमिल आदमी है, तमिल भाइयों बहनों है। इसी कारण है लास्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा काम इधर तमिलनाडु में सेंट्रल गवर्नमेंट किया, मोदी सब पर्सनली किया। सो 10,76,000 करोड़ तक वेलफेयर स्कीम्स तमिलनाडु में पहुँचिया। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, पार्लियामेंट सेंट्रल बिल्डिंग में सेंगोल, पूरा हमारा कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस मोदी जी दे दिया। सो हमारा को बहुत कॉन्फिडेंट है, पार्टी मजबूत है, पूरा पीपल का माइंडसेट भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। June 4th विल बी अ हिस्टोरिक रिजल्ट फॉर NDA और ये एक ऐसा भारत है जो अगले 5 साल में ही 2019 तक ही तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है और इसका निर्माता मतदाता है, इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। और अब मोदी गारंटी है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, हम विकासशील नहीं रहेंगे और विकसित होकर आर्थिक ताकत, और वो आर्थिक ताकत गांव-गांव तक पहुंचेगी। यानी हर तरह से, चाहे वो नव मतदाता हो, हमारे युवा हो, चाहे वो मातृशक्ति हो, महिलाएं हो, जिनको हर तरह से मजबूत करा है पिछले 10 साल के अंदर, चाहे वो किसान हो जिनके लिए सरकार पूरी तरह से खड़ी है, चाहे ट्रेड एग्रीमेंट हो, व्यापार एग्रीमेंट हो, हर तरह से हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए खड़ी है। देखिए, एक बात मैं बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि ये देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो सुशासन का, समावेशी विकास का और देश की सुरक्षा का जो सफर है उस सफर को जारी रखने के पक्ष में है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो ये समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान, समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान की संविदा सरकार का जो सपना है उस सपनों का सुपड़ा साफ होगा। संविदा सरकार का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की सरकार कि भैया ऐसा है कि हम 6 महीने तुम बन जाओगे, 6 महीने हम बन जाएंगे, 6 महीने 4 वो बन जाएगा। आज कॉन्ट्रैक्ट की सरकार देश नहीं चाहता, परफेक्ट सरकार चाहता है। आज स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है और स्ट्रांग लीडरशिप चाहता है, वो नरेंद्र मोदी जी की है। आज लोकतंत्र का उत्सव है, मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है,
भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टिकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है, हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंडवासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।